दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मोदी सरकार के खिलाफ किए गए शक्ति प्रदर्शन में देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश अनोखे स्वतंत्रता संग्राम से उभरा है। ये देश प्रेम का देश है, अहिंसा का देश है, एक दूसरे का हाथ थामने का ये देश है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर इंसान का अधिकार है, न्याय की लड़ाई लड़ने से बड़ी कोई भी देशभक्ति नहीं। आज जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, हर ओर अन्याय है। प्रियंका ने कहा कि एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको देश से प्यार है तो देश की आवाज़ बनो। अगर आज हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते हमारा संविधान नष्ट हो जाएगा और हमारे देश का विभाजन शुरू हो जाएगा। प्रियंका ने कहा कि कुछ साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन की तरह तेज़ी से बढ़ रही थी, अब GDP पालात में चली गई है। भाजपा है तो 100 रुपये किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां मुमकिन है, भाजपा है तो 15,000 किसानों की हत्या मुमकिन है, भाजपा है तो नवरत्न कंपनियों की बिक्री मुमकिन है, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे देश का संविधान खतरे में है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 6 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, फिर भी मंत्री पूरी तरह से क्लूजेस हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि सब कुछ ठीक है, हम दुनिया में शीर्ष पर हैं, केवल एक चीज जो उन्होंने नहीं कही है वो है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।